हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं हनुमान जी का रियलिस्टिक फेस। उसके लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे हम उनका एक स्केलेटन जैसा फेस बना सकें, जिसे बाद में हम और अच्छे से बना सकें सबसे। और फिर उस सर्कल को हम ऊपर और नीचे से डिवाइड कर लेंगे, साथ में लाइन थोड़ी लंबी रखेंगे जिससे हम उनका चिन का डिज़ाइन बना सकें। और एक लाइन ऊपर बनाएंगे और उसी सेम लाइन को हम बिल्कुल नीचे ड्रॉ करेंगे सेम स्पेस लेकर के, और उसे बीच में से भी सर्कल को कट कर लेंगे। और एक चिन, और जो लाइन नीचे छोड़ी थी चिन के लिए, हम उस पर भी एक कट लगा लेंगे। और सबसे पहले हम उनकी ड्रॉ करेंगे नोज़। और ये जो डिज़ाइन होने वाला है, ये सबसे पहले स्केलेटन डिज़ाइन होगा, क्योंकि जो रियल फेस बनेगा वो डार्क करने के बाद हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे। और HB पेंसिल का आप लोगों को यूज़ करना है, जिससे आप हल्का सा फेस बना सको, जिससे आप लोगों से कोई मिस्टेक होगा पहली बार में तो आप उसे इरेज कर सको। और हम उससे जोड़ करके एक आईब्रो बना लेंगे और अपनी आइज़ को ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद हम हनुमान जी के साइड फेस को बनाएंगे, जिससे उनके चेहरे का हल्का हल्का डिज़ाइन जो है वो शो करेंगे। और नोज़ के नीचे एक लाइन खींचेंगे, हम उसको साइड फेस से जोड़ देंगे, जिससे हमारे साइड फेस का एक एंड पॉइंट आ जाए, क्योंकि अभी जब हम डार्क करेंगे तो हम इसे फिर से रीक्लियर करेंगे। और हम उनका अब हेड बना लेते हैं। आप लोगों को पता ही है कि हम इन्हें हनुमान कहते हैं, और हनुमान का मतलब होता है बिगड़ी हुई ठुड्डी वाला, इसलिए हमने इनके चिन को थोड़ा नीचे से ड्रा करा है। और अब हम इनको हेयर ड्रा कर लेते हैं। इनका हेयर जो है वो इस समय जूड़े के रूप में है, क्योंकि ये ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं और ये राम जी का ध्यान कर रहे हैं, तो हम इनका जूड़ा बना लेते हैं। और धीरे धीरे आप मेरे स्टेप को फॉलो करते जाएंगे, आपका भी बहुत अच्छा फेस आता जाएगा। और हमने कहा था इनकी चिन थोड़ा नीचे बनी है और इनकी नोज़ भी उभरी हुई बनेगी, इसीलिए हम दोनों को कॉम्बो कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं। तो इनकी नोज़ के साथ साथ इनका माउथ भी हमको उभरा हुआ लगेगा। इनकी माउथ के लिए जो सर्कल हम बनाएंगे वो सर्कल लंबा सा बनेगा, लेकिन सर्कल थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो इसे हम रब करके फिर से बना लेते हैं। और ये मैंने इनका बना दिया है माउथ। माउथ के बाद मैं इनकी चिन के नीचे कुछ बियर्ड बना रहा हूँ, क्योंकि बियर्ड से देखने में फेस अच्छा लगता है। और इनकी बियर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, और ऐसा लगे कि हवा चल रही है और इनकी बियर्ड जो है उड़ रही है। और बियर्ड पे लाइनिंग कर लेते हैं और इनके हेयर्स पे भी लाइनिंग कर लेते हैं। यार अपना छोटे भाई का सपोर्ट कर दो, देख लो हाथ में चोट लगी है, प्लास्टर बंधा हुआ है, हड्डी टूट गई है, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो। चलो कोई नहीं, जैसा ठीक लगे आप लोगों को। और अब हम इनका तिलक ड्रॉ कर लेते हैं। आप सब लोग देख लो, धीरे धीरे हनुमान जी का फेस आने लगा है डिज़ाइन पे। अब हल्के हाथों से हम रब कर लेंगे जो हमने सर्कल बनाया है, सीधी लाइन खींची थी, तिरछी लाइन खींची थी, और हम उसे रब कर लेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा काम रह जाएगा उसे डार्क करना, और जैसे जैसे हम डार्क करते हुए जाएंगे वैसे हमारा हनुमान जी का रियलिस्टिक फेस आता जाएगा। और स्टेप टू स्टार्ट हो गया है, जो कि है फेस को डार्क करना। और आप लोग देखो, धीरे धीरे हनुमान जी का फेस आने लगा है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यही आर्ट बैनर पे डिज़ाइन करूं, तो फिर इस वीडियो पे 1K लाइक ज़रूर करवा देना और कमेंट में बैनर लिख देना, जिससे आपको लाइव वीडियो बने मिलेगा जब मैं इस आर्ट को बैनर पे डिज़ाइन करूंगा, और साथ में मैं उसे कलर भी करूंगा आपके सामने। तो फिर आप देख सकते हैं उनके आईब्रोज बन चुकी है, उनका राइट फेस भी डिज़ाइन हो चुका है, डार्क भी हो चुका है, और साथ में उनकी नोज़ भी। और नोज़ के साथ हम उनका माउथ कनेक्ट करके उनके फेस को उभरा हुआ बना दें। हम इनका माउथ पूरा कर चुके हैं और अब इनके माउथ के ऊपर थोड़ी बियर्ड बना देते हैं, जिससे फेस देखने में अच्छा लगे। इनके माउथ को हम स्माइल करता हुआ बनाएंगे और साथ में नोज़ के नीचे एक लाइन करेंगे जो माउथ के ऊपर होगी, यही लाइन इनके माउथ को उभरा हुआ दिखाएगी। और उनकी आईज ड्रॉ करने के बाद हम उनका तिलक ड्रॉ कर देते हैं। तिलक से चेहरे पे अलग रौनक आ जाती है, और तिलक लगाना तो हमारे हिंदू धर्म की प्रथा भी है, तो तिलक तो ज़रूर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। और अगर आप इसे कलर करें तो तिलक को रेड कलर में कलर करिएगा, आपका बहुत अच्छा पिक्चर आएगा। और अगर आप कलर यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादातर ट्यूब कलर यूज़ करिएगा, और वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कंपनी आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं। और हम इनका जूड़ा ड्रॉ कर चुके हैं और ये इनके हेयर ड्रॉ हो गए। अब हम इनकी बियर्ड ड्रॉ कर देंगे, जिससे फेस थोड़ा लगे कि हवा चल रही है और इनकी बियर्ड उड़ रही है। और हम बियर्ड में लाइन कर देंगे और हेयर्स में भी लाइन कर देंगे। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि इनका जूड़ा बंधा हुआ है। और अब हम
इनके शोल्डर्स को ड्रॉ करेंगे, स्पेस कम है तो मैं उस हिसाब से ड्रॉ कराया। अब इनके ईयर्स को ड्रॉ कर देंगे और इनकी जो चिन के नीचे बियर्ड थी उस पर भी लाइनिंग कर देंगे, और जो इनकी अब आईज हैं आईज थोड़ा एडिट कर देंगे, ऐसे बंद आईज थोड़ा अच्छी नहीं लग रही, तो अब हम आईज को ओपन कर देंगे। तो आईज जब ओपन हो जाएंगी तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा कि आपको देख रहे हैं सामने से हनुमान जी, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम इनकी आईज को ड्रॉ करेंगे कि ये देख रहे हैं सामने की ओर, तो हम इनकी आईज को उस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो आईज बना ली हैं, आईज के अंदर सर्कल बना लिया, सर्कल को डार्क कर लिया, और देखिए आपको लग रहा है कि हनुमान जी आगे की ओर देख रहे हैं और आपका चित्र पूरा हो रहा है धीरे धीरे। और देखो धीरे धीरे चित्र पूरा हो रहा है, काम भी पूरा हो रहा है।